प्रदीप जरा बड़ी बड़ी कौन सी आपकी बड़ी सीटें बड़ी सीटों पर एक कौन सी बड़ी सीटें हैं जरा बड़ी सीटों पर बात कीजिए जरूर लगातार जल्दी बताइए जरा मैं पहले बताइए जरा मैं और फिर जारी पहले शुरू करना चाहूंगा बताइए पूर्व की सीट पे रघुवर दास की सीट जो है वो एज पे है मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे वो आगे नहीं है वो एज पे सीट है ये 50-50 की सीट है एक सेकंड सर प्लीज मैं पहले एक एक करके कर दूं अगर यहाँ पे रघुवर दास हार जाएंगे अचंभित मत हो जाइएगा जीतेंगे भी तो 5-6 हजार की मार्जिन से जीतेंगे दूसरी सीट सिल्ली की सीट पिछली बार एजीएसयू के चीफ यहां से जीते थे हारे थे दो बार हार चुके हैं इस बार सिल्ली प्रखंड से वोट ज्यादा मिलने के कारण वो जीतेंगे नेक्स्ट सीट पे आना चाहूंगा धनवर की सीट है धनबाद नहीं है धनवर की सीट है यहां से बाबूलाल मरांडी आगे है और वो ये सीट को जीत रहे हैं फिर वापस से मैं आऊंगा हेमंत सोरेन की जो सीट है दो सीट बाराट से वो निकाल लेंगे दुमका वो एज पे है दुमका अगर हेमंत सोरेन हारेंगे तो आप अचंभित मत हो जाइएगा दुमका के अंदर हेमंत सोरेन के खिलाफ एंटी है तभी वो दो सीट से लगे थे अच्छा, एक सीट तामर ये सीट बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे एक नक्सली कमांडर लड़ रहा है जिसके खिलाफ 100 से ज्यादा मर्डर केसेस है यहाँ पे एक एनसीपी से लड़ रहा है राजा पीटर जो जेल से चुनाव लड़ रहा है और यहाँ से जो जिसको मारा गया था उसका जो बेटा है विकास जो है विकास मुंडा लड़ रहा है जेएमएम से और वो आगे झरिया का बताइए झरिया गैंग वॉर सीट कहा जाता है यहाँ पे हमेशा से बीजेपी जीतती आई थी ये नीरज और संजीव दो फैमिलीज है जिसके बीच की फाइट होती है पर इस बार यहाँ पे वोटिंग बहुत कम हुई है और कांग्रेस यहाँ पे आगे है जगन्नाथपुर की सीट पे कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग है एक तरफा कांग्रेस यहाँ पे जीतने वाली है वापस आई सिसाई की सीट पे मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जेएमएम आगे है सिसाई की सीट से जो यहाँ के उनके जीगा और उनके जो उम्मीदवार है उनका काफी स्ट्रॉन्ग पकड़ है रांची की सीट है रांची की सीट सीपी सिंह की सीट कहा जाती है पिछली बार 70-50-60 हजार की मार्जिन से जीतते थे पर यहाँ पे एक बार जो फिकी ने अपना उम्मीदवार उतारा था पर उसको वापस ले लिया पवन को तो इस बार वो ये सीट को जीत जाएंगे चतरा की सीट पे यहाँ पे आरजेडी आगे है चतरा की सीट में एमवाई फैक्टर काम कर रही है आरजेडी तीन सीट लेके आएगी रामगढ़ की सीट है ये यहाँ पे आप आयरनी देखिए रामगढ़ की सीट पे यहाँ पे वोटर्स ने फैमिली को रिजेक्ट किया है एजीएसयू के तीन है यहाँ पे जो टिकट दिया था उनके सांसद की बीवी को टिकट दिया है और इसीलिए कारण उनको यहाँ पे वोट नहीं मिल पा रहे और कांग्रेस की ममता देवी यहाँ से निकाल रही है तो फैमिली कहीं पे भी नहीं चल पा रही है फैमिली पॉलिटिक्स फिर दुल्लू महतो की सीट आते हैं बागमारा की सीट इसको टाइगर की सीट भी कहा जाता है और ये सीट बीजेपी जीत जाएगी इनकी एक बड़ी विशेषता बात यह है कि इनकी सब गाड़ियों के नंबर एक जैसे होते हैं और ये सिर्फ अपने बलबूते के नाम पे वो वोट जीतते हैं फिर मैं बेरमू की सीट में आना चाहूंगा यहां से कांग्रेस के राजेंद्र जो सिंह है वो काफी आगे है थोड़ी सी एज यहां पे होगी मार्जिन यहां पे कम होगी खूंटी की सीट बीजेपी जीतती आई है इस बार भी जीतेगी ये सीट पे यहां पे ट्राइबल जो है यहां पे बीजेपी के साथ जा रहे हैं खरसुआ की सीट पे काफी अच्छी फाइट है जेएमएम और बीजेपी के बीच में पर जो प्रखंड से जेएमएम लीड कर रही है वो काफी कंसोलिडेटेड है चक्रधरपुर की सीट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है यहां से सुखराम और आप जो है बीजेपी जेएमएम के वो काफी आगे चल रहे हैं तो यहां से बीजेपी को लग रहा था कि आगे बढ़ेगी पर जो ट्राइबल वोट हुआ है वो उसके पक्ष में नहीं गया है निरसा की सीट है यहां पे कांटे की टक्कर है यहां पे कांटे की टक्कर तीन के बीच में यहां पे सीपीआई भी है बीजेपी भी है जेएमएम भी है तो इस एमसीसी भी है जी हां एमसीसी भी है तो इसमें कहना बड़ा मुश्किल है जेएमएम भी सीट को निकाल सकती है या यहां पे एमसीसी निकाल सकती है अपर्णा सेन गुप्ता को फॉरवर्ड बॉक्स से लाया गया था तो जो कार्डर वोट है थोड़ा सा पीछे हो चुका है 40,000 मंडल वोट आते हैं जो एक तरफा जेएमएम की तरफ जा सकते हैं भावनाथपुर की सीट है भानु प्रताप साई पिछली बार की तरफ काफी स्ट्रॉन्ग रहे पर यह सीट यहां से इंडिपेंडेंट को जाएगी उसके बाद जमशेदपुर पश्चिम की सीट पे आता हूं यहां से सीट पे 6.5% वोटिंग कम हुई है और इस सीट पे भी जो है कांग्रेस पार्टी आगे होने वाली है बन्ना जो है वो जीतेंगे और अगर हम जी अगर मैं आप मुझे 2 मिनट का समय दो तो मैं 80 की 80 सीट बताना चाहूंगा डाल्टनगंज आखिरी जी डाल्टनगंज वो सीट है जहाँ पे गोलीकांड हुआ था 84 वर्सेस त्रिपाठी की फाइट है। यहाँ पे एज आखिरी वो ही कांग्रेस के एपिसोड के कारण जो है आखिरी में वोटिंग काफी स्ट्रांग हुई और मोदी वोट महिला का पड़ा है जिसके कारण 5-10 हजार के बीच